हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हमारी एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हमने आपको बताया बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। जनरली जो हम अपने बच्चों से बात करते हैं हिंदी में, उसी को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। वही जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश में बताए हैं, जिसे आप भी आसानी से सीख कर अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे। बट आगे की तरफ चलने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरी बात सुनो। जैसे हम किसी भी बच्चे से बोल देते हैं मेरी बात सुनो, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लिसन टू मी। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। नेक्स्ट है मैं जानता हूँ, आई नो। मैं जानता हूँ, आई नो। मैं नहीं जानता, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। नेक्स्ट है हमारा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छे से बर्ताव करो, किसी भी बच्चे से हम बोल देते हैं नॉर्मली अच्छे से बर्ताव करो, तो उसको हम इंग्लिश में फ्रेंड्स बोलेंगे बिहेव प्रॉपरली। बिहेव प्रॉपरली, अच्छे से बर्ताव करो। एक तरफ हो जाओ, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मूव असाइड। एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। कुछ खास, एनीथिंग स्पेशल। कुछ खास को हम इंग्लिश में बोलेंगे एनीथिंग स्पेशल। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, कृपया इस बात को समझो। प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया इस बात को समझो। प्लीज अंडरस्टैंड। भूलना मत, डोंट फॉरगेट। भूलना मत, डोंट फॉरगेट। मैं भूल गया, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई फॉरगॉट। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। तब हम खेलेंगे, देन वी विल प्ले। तब हम खेलेंगे, देन वी विल प्ले। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, झूठ मत बोलो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लाई। झूठ मत बोलो, डोंट लाई। तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस, मुझे तंग मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। धैर्य रखो, हैव पेशेंस। धैर्य रखो, हैव पेशेंस। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। मेरा विश्वास करो, बिलीव मी। मेरा विश्वास करो, बिलीव मी। मुंह बंद रखो, सेट अप। मुंह बंद रखो, सेट अप। लिखो, लिखो को हम इंग्लिश में बोलेंगे राइट डाउन। राइट डाउन, लिखो। ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स। ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स। नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स। नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा,
यहाँ देखो, लुक हियर, यहाँ देखो, लुक हियर, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, इसे पकड़ो, होल्ड इट, इसे पकड़ो, होल्ड इट, इसे लो, टेक इट, इसे लो, टेक इट, सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, हिलो मत, डोंट मूव, हिलो मत, डोंट मूव। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रो मत। हम बोल देते हैं बच्चे से अक्सर, जब बच्चा रोता है रो मत, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट क्राई, डोंट क्राई, रो मत, डोंट क्राई। चिल्लाओ मत, डोंट साउट, चिल्लाओ मत, डोंट साउट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जाओ और पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी को हिंदी में जाओ और पढ़ाई करो बोलेंगे। और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं को हम इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग एल्स, नथिंग एल्स मीन्स कुछ नहीं। ध्यान से, बी केयरफुल, ध्यान से, बी केयरफुल, अभी को हम इंग्लिश में बोलेंगे राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब होता है अभी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ। क्या हुआ, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन मींस क्या हुआ। नेक्स्ट है चखो, मतलब कोई चीज बच्चे को खिला रहे होते हैं तो पूछ लेते हैं चखो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेस्ट इट, टेस्ट इट, टेस्ट इट का मतलब होता है चखो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी, टेल मी मींस मुझे बताओ। नेक्स्ट है इन्हें सही ढंग से पढ़ो, पुट देम इन करेक्टली, पुट देम इन करेक्टली, इसको हिंदी में बोलेंगे इन्हें सही ढंग से पढ़ो, अपना नाक साफ करो। अक्सर हम बच्चों को बोल देते हैं जब नोज गंदी होती है कि अपनी नाक साफ करो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन योर नोज, यह आसान है, दिस इज इजी, यह आसान है, दिस इज इजी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अब तुम कोशिश करो, नाउ यू ट्राई, अब तुम कोशिश करो, नाउ यू ट्राई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तुम चुप क्यों हो, व्हाई आर यू साइलेंट, व्हाई आर यू साइलेंट, तुम चुप क्यों हो, व्हाई आर यू साइलेंट। क्या तुम बीमार हो, आर यू सिक, आर यू सिक मीन्स क्या तुम बीमार हो। तुम्हें चोट कैसे लगी, हाउ डिड यू गेट हर्ट, हाउ डिड यू गेट हर्ट, तुम्हें चोट कैसे लगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा, ठंडा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, डोंट ड्रिंक
कोल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। आइसक्रीम मत खाओ, डोंट ईट आइसक्रीम, डोंट ईट आइसक्रीम, इसका मतलब होगा आइसक्रीम मत खाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। फ्रेंड्स, वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट है, मेरी उंगली पकड़ो, होल्ड माई फिंगर, होल्ड माई फिंगर, मेरी उंगली पकड़ो। लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट, लड़ाई मत करो। शर्माओ मत, डोंट बी साय, डोंट बी साय, शर्माओ मत। मेज लगा दो, सेट द टेबल, सेट द टेबल, मेज लगा दो। नेक्स्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सोने जाओ, गो टू बेड, गो टू बेड, सोने जाओ। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बाहर मत खेलो, डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो, डोंट प्ले आउटसाइड। मैं आपसे नाराज हूँ, आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे नाराज हूँ, आई एम एंग्री विद यू। इसे साफ करो। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी अपने बच्चे से बोलते हैं कुछ चीज़ गिर जाती है, इसे साफ करो, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको क्लीन इट, क्लीन इट का मतलब होता है इसे साफ करो, क्लीन इट, इस मेज को साफ करो। इसकी इंग्लिश होगी क्लीन दिस टेबल, क्लीन दिस टेबल, इस मेज को साफ करो, क्लीन दिस टेबल। बुरा मत मानो, नेवर माइंड, नेवर माइंड, बुरा मत मानो। एक निवाला खा लो, अक्सर हम छोटे बच्चों को बोलते हैं ना जब खाना खाते हैं कि एक निवाला खा लो, तो हम इसको इंग्लिश में फ्रेंड्स बोलेंगे टेक ए बाइट, एक निवाला खा लो, टेक ए बाइट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक घूंट पी लो, टेक ए सिप, ये कुछ भी हो सकता है, दवा, दूध, पानी, हम अपने बच्चे से बोलेंगे एक घूंट पी लो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड्स टेक ए सिप, टेक ए सिप, एक घूंट पी लो। मुझे दो, गिव मी, फ्रेंड्स एक कॉमन सेंटेंस है जो अक्सर हम अपने बच्चे से बोलते हैं, जब भी वो कोई चीज ले लेते हैं अपने हाथ में तो हम बोलते हैं मुझे दो, तो हम इसको इंग्लिश में फ्रेंड्स बोलेंगे गिव मी, गिव मी। नेक्स्ट, इसे मुझे दो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, इसे मुझे दो, गिव इट टू मी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट है, बाय बोलो, जब कोई हमारे घर से जा रहा होता है तो अक्सर हम अपने बच्चे से बोलते हैं कि बाय बोलो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे हमें से गुड बाय, से गुड बाय। नहा लो, नहा लो को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेक ए बाथ, टेक ए बाथ, नहा लो, टेक ए बाथ। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, यह क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह
क्या है? What is this? चुप रहो या शांत रहो, अक्सर हम अपने बच्चे से बोलते हैं जब वो ज्यादा चिल्लाते हैं, चुप रहो या शांत रहो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, गेट रेडी। तैयार हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ की इंग्लिश होगी शो मी, शो मी। कूदो मत, कूदो मत को इंग्लिश में फ्रेंड्स बोलेंगे डोंट जंप, डोंट जंप। कूदो मत को इंग्लिश में बोलते हैं डोंट जंप। नेक्स्ट है हमारा, आपको चोट लग जाएगी, यू विल गेट हर्ट। आपको चोट लग जाएगी, यू विल गेट हर्ट। नेक्स्ट है, तुम नीचे गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन। तुम नीचे गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, धीरे चलो, अक्सर हम बच्चों को बोलते हैं जब वो तेज चलते हैं कि धीरे चलो, तो हम कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। खड़े हो जाओ। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जाग जाओ। जब भी अक्सर बच्चा सो रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं जाग जाओ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेक अप, वेक अप। वेक अप का मतलब होता है हिंदी में जाग जाओ, वेक अप। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, उठ जाओ, उठ जाओ को हम इंग्लिश में बोलेंगे गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठ जाओ। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड्स हमारा, इसे खाओ। अक्सर हम बच्चों को बोलते हैं, बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है, जब भी कुछ खिला रहे होते हैं इसे खाओ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ईट इट। नेक्स्ट, इधर आओ, इधर आओ को हम इंग्लिश में बोलेंगे कम हियर, कम हियर मीन्स इधर आओ। क्या आप जानते हो, डू यू नो, डू यू नो मीन्स क्या आप जानते हो। मेरे बाद दोहराओ, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तब बोलते हैं ये चीज, मेरे बाद दोहराओ। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी मीन्स मेरे बाद दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी। बैठ जाओ, सिट डाउन। बैठ जाओ, सिट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट है, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। जोर से बोलो मीन्स स्पीक लाउडली। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कभी नहीं, नेवर। कभी नहीं को हम इंग्लिश में बोलेंगे नेवर, नेवर को हिंदी में बोलते हैं कभी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन मीन्स दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जाओ और खेलो, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। जाओ और खेलो, गो एंड प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी किताबों को बैग में डालो, पुट योर बुक्स इन द बैग, पुट योर बुक्स इन द बैग। अपनी किताबों को बैग में डालो, पुट योर बुक्स इन द बैग। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स होगा हमारा, खुश रहो, खुश रहो को हम इंग्लिश में बोलेंगे बी हैप्पी, बी हैप्पी मतलब खुश रहो।
आओ एक खेल खेलें। लेट्स प्ले ए गेम। लेट्स प्ले गेम। आओ एक खेल खेलें। चलते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ फ्रेंड्स। यह बाला, इसकी इंग्लिश होगी दिस वन। यह बाला, दिस वन। नेक्स्ट है हमारा वो वाला, दैट वन। दैट वन, दैट वन को हम हिंदी में बोलेंगे वो वाला। चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड्स हमारा, इसे करो, डू इट। डू इट, इसे करो। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जल्दी करो, हरी अप। हरी अप। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।